आज मैं आपको, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं डिविजनल इंस्पेक्टर है गवर्नमेंट एग्री एनवायरमेंट। आज मैं आपको डिवाइडर के बारे में बताऊँ। ये एक आपका मार्किंग टूल होता है, मार्किंग टूल के रूप में इसको काम में लिया जाता है आपने। तो डिवाइडर जिसकी आकृति आपकी इस टाइप की होती है, ये लाइन डिवाइडर है और ये स्क्रीन डिवाइडर। ये स्क्रीन डिवाइडर है। तो डिवाइडर का मेन काम क्या होता है, ये अप्रत्यक्ष मापी होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष मापी। मतलब ये डायरेक्ट आपकी माप नहीं देगा, पहले आपने स्क्रीन टूल से इसको खोलेंगे, जितना आपको खोलना है उतना खोलने के बाद में इसको अपने यूज में लेंगे। तो इसके मेन काम क्या क्या होंगे, एक तो ये डिवाइडर होता है, कोई आपके स्टीमीटर के वर्क 100 में जाता है, काम जाता है, या आपके कोई जॉब बनाना है तो आप ही काम में आएगा। तो कोई स्टीम मेटर वर्क है तो उसमें कोई लाइन है उसको आप अलग अलग भागों में बांटना है तो अपने किसका प्रयोग करेंगे, डिवाइडर। या कोई किसी बिंदु से कोई चाप लगानी है आपको तो भी अपने किसका प्रयोग करेंगे, डिवाइडर का। और किसी का सेंटर कोई गोल रोड है उसका सेंटर ज्ञात करने के लिए भी अपने क्या करेंगे, डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। यहाँ रखकर यहाँ चाप मार देंगे, यहाँ रखकर यहाँ चाप मार देंगे, और यहाँ रख के यहाँ चाप मार देंगे, और यहाँ रखकर यहाँ चाप मार देंगे, इसका सेंटर आ जाएगा। तो ये ज्ञात करने के लिए अपने डिवाइडर का प्रयोग किया है। तो ये तो हो गए इसके यूज। ये जो डिवाइडर होता है ये किस धातु का बना होता है, ये आपके हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है, माइल्ड स्टील का भी बना होता है, लेकिन अगर आपके हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है तो इसके डिवाइडर को हीटर ट्रीटमेंट करके आपके इसकी जो बॉडी है इसके टेम्परिंग करनी पड़ेगी, हार्ड और टेम्पर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हार्ड और टेम्पर करना पड़ेगा। अगर ये आपके माइल्ड स्टील का है तो आप ये दो प्रकार के हुए, एक अगर आपका ये हाई कार्बन स्टील का है तो इसको क्या करना पड़ेगा, टेम्परिंग और हार्डनिंग करनी पड़ेगी। अगर ये आपके माइल्ड स्टील का है तो इसके आगे की जो ब्लैक के जो पॉइंट होते हैं जहां से अपने यूज में लेते हैं इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे हार्डनिंग करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये जॉइंट के अनुसार आपके दो प्रकार के आते हैं, जो डिवाइडर होते हैं ये आपके जॉइंट के अनुसार कितने प्रकार के आते हैं, दो प्रकार के आते हैं। कैलिपर भी बोल सकते हो इनको। तो जॉइंट के अनुसार आपके दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है ये फर्म जॉइंट, दूसरा होता है आपके स्प्रिंग जॉइंट। फ्रंट जॉइंट के अंदर जो डिवाइडर होगा फ्रंट जॉइंट को, उसकी दो लेग होगी, लेगों को जोड़ने के लिए या आलम करने के लिए अपने बीच में क्या लगाएंगे, रिफ्ट लगाएंगे, या आप अपने टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, रिवेट, रिवेट लगानी पड़ेगी। रिवेट के द्वारा इसको क्या करेंगे, दोनों टांगों को जोड़ देंगे, और जैसे ही खोलेंगे यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर रिवेट पे में कुछ ढीलापन आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, अपने हैमर के द्वारा थोड़ा वापिस इसको दबा कर टाइट कर लेंगे। तो
जो रिलेट के द्वारा सीधा बना हुआ डिवाइडर होता है उसको आपने बोलते हैं भरम जॉइंट डिवाइडर। लेकिन इससे में परेशानी क्या होती है कि जब आपने कोई माप आपने ली एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने प्रतिस्थापित कर रहे हैं माप को, तो ये आप हिलने के बाद में आपकी माप में चेंजिंग हो सकती है, माप में क्या हो सकती है चेंजिंग हो सकती है। तो ये इसका क्या है एक मतलब अनयूज है, मतलब आप सही माप लेना चाहो तो इसमें वही व्यक्ति इसकी सही माप ले सकता है जो इसको चलाने में एक्सपर्ट हो, जिसका एक्सपीरियंस काफी हो, फाइन एडजस्टिंग करना जानता हो, कोई लकड़ी का गुटका है या उसके ऊपर जाकर इसको धीरे धीरे से ऐसे फाइन एडजस्टिंग करेंगे, ऐसे इसकी एडजस्टिंग हो। तो ये जो धर्म जॉइंट जो क्लिपर होगा उसको दोनों टांगों को जोड़ने में अपने रिवेट काम में लेंगे, क्या काम में लेंगे रिवेट। अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में अपने बताएंगे, मतलब इसके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, बाजार में आप कैसे लाओगे जिंदगी, तो क्या होता है इसके स्पेसिफिकेशन में, मतलब इसकी लंबाई कहाँ से ली जाती है, तो लंबाई अपने इसके सेंटर लाइन के सेंटर से और लैग की पॉइंट जो पॉइंट है वहां से बीच की दूरी आपकी क्या होती है डिवाइडर की लेंथ होती है। मतलब क्या हो गया प्लेट के सेंटर से लेग के पॉइंट तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपकी डिवाइडर की लंबाई कहलाएगी। इसके बाद में देखिए ये इसके लंबाई का स्पेसिफिकेशन हो गया। अब डिवाइडर आपको बाजार में कितने कितने माप में मिलेगा, तो ये माप में आपने जैसे 50 mm का 75 mm का 100 mm का 150 mm का वह 200 mm का बाजार में आपको उपलब्ध इसकी टोटल लंबाई के हिसाब से, इससे बड़े भी अपने काम में आते हैं लेकिन आपको बाजार में ये आपको मिलेगा अभी इतनी लंबाई के अंदर। अब देखिए आपके आपका क्लियर हो गया। इसके बारे में अपने आता है डिवाइडर के बारे में स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर, तो स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए ये स्प्रिंग जॉइंट है, ये स्प्रिंग का ये जो कमानी लगी हुई है ये स्प्रिंग का काम करती है, ये जो कमानी लगी हुई है ये किसका काम करेगी स्प्रिंग का काम करेगी। बीच में ये रिवेट लगी हुई है बीच के अंदर, ये इसकी दोनों लेग होगी, ये इसका स्क्रू हो गया जिससे आप निश्चित माप का खोल सकते हो और आपके माप लेने के बाद में ये हिलेगा नहीं, जैसे आपने माप में खोल लिया इसके बाद में ये हिलेगा नहीं, इसलिए इसमें ये स्क्रू दिया हुआ। तो इस प्रकार का अगर डिवाइडर होगा वो क्या कहलाएगा आपका स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर, ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। इसमें फायदा क्या होता है, जैसे आपने कोई रीडिंग ले ली, रीडिंग लेने के बाद में जैसे आपने इसको डिवाइडर को इतना खोल लिया, खोलने के बाद में अब ये आप ये इस डिवाइडर की जो माप है ये आपकी चेंज नहीं होगी, एक बार आपने एडजस्ट कर ली इसके बाद में ये चेंज नहीं होगी, जब तक आप इसे स्क्रू को या नट को ढीला या टाइट नहीं करोगे तो इसकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये फायदा है जो फर्म जॉइंट होता है इसमें आपको बार बार सेटिंग करनी पड़ती है, इसमें आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर हो गया। अब देखिए जो डिवाइडर अपने आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये आपके साधारण डिवाइडर होते हैं या ऑर्डिनरी डिवाइडर भी बोलते हैं इसको साधारण डिवाइडर। एक विंग डिवाइडर भी आता है, विंग डिवाइडर देखिए इस टाइप का विंग डिवाइडर होता है, मतलब अपने इसको इंजन में पंख डिवाइडर भी बोल सकते हैं। ये
यहाँ पे एक आपकी ये इस टाइप की पट्टी लगी हुई होगी जिससे अपने कौन व्यवहार में इसको एडजस्ट कर सकते हैं और बीच में एक स्क्रू लगा होगा। यहाँ पे एक स्क्रू लगा होगा, जितना आप खोलो और बंद करो तो ये जो डिवाइडर है ये आपका विंग डिवाइडर होगा। विंग डिवाइडर के बाद में आपके तीन नंबर का स्प्रिंग डिवाइडर जो मैंने आपको ये दिखाई दिया, स्प्रिंग डिवाइडर, ये स्प्रिंग डिवाइडर। तो विंग डिवाइडर के बाद में स्प्रिंग डिवाइडर और एक निडल डिवाइडर भी आता है जो आपके इस टाइप का होता है निडल डिवाइडर। इस टाइप का बना हुआ होता है निडल डिवाइडर, इसमें आपके यहाँ निडल लगती है तो ये आपके निडल डिवाइडर होगा। अब अगर आपको कोई बड़ी चाप बनानी है या कोई बड़ी भुजा बनानी है या बड़ा आपको कोई वर्क बनाना है तो उसके लिए अपने एक और काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं बीम डिवाइडर। इसका नाम ट्रेमल भी बोलते हैं, ट्रेमल। ये इस टाइप का होता है, इसमें जो ट्रेमल होगा उसके अंदर आपके दो हेड होंगे, ये लंबाई में आते हैं क्योंकि आपके ये लगभग आपके 200 नंबर तक का डिवाइडर काम में ले सकते हैं, लेकिन इससे बड़े अगर चाप काटनी है तो उसके लिए अपने ट्रेमल का यूज करेंगे। ट्रेमल इस टाइप का होता है, ये इसके हेड हो गए और ये इसके स्क्राइबर हो गए, यहाँ पे इसके नलिंग कटी हुई होती है, इसी बार इधर एक हेड होता है। आगे इसमें स्क्राइबर डली होती है और इसको फाइन एडजस्टमेंट के लिए यहाँ एक यूनिट बड़ी होती है जो आप इसको आगे पीछे सेट कर सकते हो और एक स्क्रू लगा सकते हो। तो ये आपके छोटी बड़ी चाप बड़ी चापों के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, ट्रेमल, ये ट्रेमल होता है। इसकी जो ये बीच वाली जो फोर रोड होती है इसको बीम बोलते हैं, इसको बीम बोलते हैं। ये आपके स्क्राइबर हो गया, ये हेड हो गया इसकी इस टाइप की, तो ये आपकी ट्रेमल हो गई। तो अपने शीट मेटल वर्क में इनका ज़्यादा यूज मिले, तो मेरे हिसाब से आपकी डिवाइडर संग आ गए होंगे। धन्यवाद।